पेशाब से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिनमें अगर मैं जो बहुत कॉमन बीमारी उसकी बात करूं ना, दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। जो पेशाब से जुड़ी बीमारी में सबसे जो कॉमन होते हैं वो होते हैं बार बार पेशाब आना, दिन में 15 बार 20 बार पेशाब आना। दिन में देखो अगर आपको 8-10 बार से ज्यादा पेशाब आ रहा है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई आपके शरीर में गड़बड़ है भैया, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई गड़बड़ है। और रात को भी अगर 2 बार से ज्यादा आ रहा है तब भी सिंपल समझ लो कि आपको कोई ना कोई पेशाब की बीमारी भैया धीरे धीरे बड़ी हो रहा शुरू हो गई है। वो पहले कम होगी अब धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। लेकिन दोस्तों भगवान का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए कि कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा एक ऐसी बेस्ट ड्रिंक के ऊपर जो आपको यूरिन से जुड़ी समस्याओं से लाखों कोसों दूर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, माताएं बहने, आपको जो कॉमन समस्या होती है वो होते हैं बार बार पेशाब आने की। हालांकि आपकी सारी रिपोर्ट्स टेस्ट जो कराए होते हैं वो भी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आपको बड़ा ज्यादा पेशाब आता है। इवन तक कुछ माताओं बहनों में क्या होता है कि वो चावल वगैरह खा लेती है ना, कोई ठंडी चीज खा लेंगी तब भी उनको यूरिन बड़ा ज्यादा आता है। और कुछ केस में तो फिर वो पेशाब को यूरिन को माताएं बहने होल्ड ही नहीं कर पाती है, मतलब रोक कर रख पाएंगे, वो कपड़ों में यूरिन लीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लीक इज प्रॉब्लम, यूरिन लीक हो जाना। अचानक से कभी हंसेंगी या कोई उनको भारी भार ऐसा वेट उठा लेंगी, भारी काम करेंगी या कोई जोर जोर से उनको, या खांसी आएगी तो भी उनको कपड़ों में यूरिन लीक हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, फिर उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। माताएं मैंने थोड़ा शर्माती हैं बात करने में, उनको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए माताएं मैंने सिंपल से आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तब तो आपको कोई सीधा सा इंडिकेशन है। अभी मैं ड्रिंक तो आपको बताऊंगा, ड्रिंक भी बताऊंगा साथ में एक रेसिपी भी बताऊंगा, तो दोनों काम कर लेना आप लोगों को, या दोनों में से एक भी कर लेंगे ना आपकी नैया पार हो जाएगी। माताओं बहनों भाइयों ध्यान से समझिएगा, पेशाब से जुड़ी मैं बता रहा हूँ, कोई भी समस्या है चाहे कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय दर्द होती है, लोअर एब्डोमिनल आपका जो पार्ट है वहां पे पेन होते हैं पेल्विक एरिया में, इन सबके लिए जो बेस्ट हेल्थ रेसिपी है एंड बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है दोनों बताऊंगा। दोनों में सिर्फ एक काम करना है, दोनों मत करना, जरूरत नहीं पड़ेगी, एक काम कर लेना बस, वो आपकी मर्जी, चाहे आप रेसिपी यूज करो चाहे ड्रिंक यूज करो। बात आती है कि देखो अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा माता है बहने भाई थोड़ा सा ना पेशेंस रखे, ध्यान रखे, थोड़ा समझिए पहले कि प्रॉब्लम एक्चुअली में बार बार आ क्यों रहा है। तभी पहले जड़ को समझ लो ना, रूट कॉज को समझ लो। किसी भी मकान को बनाने के लिए पहले उसकी नींव रखी जाती है कि मकान वैसे बनाया जाता है क्या। इसीलिए हर बीमारी की पहले जड़ को समझ लो, कहाँ से बीमारी पैदा होना शुरू हुई है, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, जिंदगी भर होगी नहीं। देखिए पेशाब से संबंधित बीमारियां क्यों होती हैं, अब एक समय तो ऐसा था कि 40 साल के बाद होती थी, लेकिन अब भैया पंगा ऐसा है कि 40 साल के पहले ही पेशाब से संबंधित बीमारियां पैदा होना शुरू हुई। क्यों? हमारा खान पान गड़बड़ घोटाला है, हमें नहीं पता क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे यार क्यों हमें बता रहे हो भाई, हमें पता है क्या खाना है कि नहीं खाना है, जो बीमारी होगी वो होगी। जो वो लोग बड़ा सही सोचते हैं यार, मुझे अच्छा लगता है वो सही सोच रहे हैं कि हाँ जो बीमारी होगी वो होगी। तो फिर क्यों आप लोग मैसेज कमेंट करते हैं कि हाँ आप बताइए हमें कोई घरेलू उपाय, जब आपको पता है कि पहले आपके मन में आपने मन बना लिया है कि भैया ऐसा कि बीमारी जो होगी वो होके रहती है, तो फिर वीडियो देखने का फायदा ही क्या है। तब तो आप ठीक है, आपको अच्छा लगता है बीमारी होना तो ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात आती है वो सबसे पहले उस, देखिए हाँ एक बात और बताना सॉरी भूल गया, अगर पुरुषों में बार बार पेशाब आ रहा है ना, बार बार पेशाब आ रहा है रात के समय 2 बार से ज्यादा, और पानी अगर नहीं पीते हैं सोने से पहले, तो समझ लीजिए प्रोस्टेट का लक्षण है सबसे बड़ा, दैट इज कॉल्ड बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, सबसे बड़ा ये था बिगेस्ट सिम्टम है ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का। और माताओं बहनों में तो लाखों बहुत से रीजन होते हैं, हजारों लाखों, उनको हो सकता है माताओं बहनों को यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है उनके पैल्विक एरिया के मसल्स कमजोर हो सकता है माताओं बहनों में ड्यू टू प्रेगनेंसी भी बार बार पेशाब होता है, लेकिन वो अलग मैटर है। प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में यूरिन बार बार आना वो नेचुरल नॉर्मल सी चीज़ है, जो वो बाद में आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल नॉर्मल भी हो जाती है। बहुत से रीजन होता है माताओं बहनों में,
डायबिटीज़, शुगर हो, डायबिटीज़ हो तो भी बार बार पेशाब, अगर बीपी हाई रहता है तो भी पेशाब ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बात आती है कंट्रोल कैसे करें होम रेमेडीज के द्वारा। दोस्तों देखिए, इसके लिए आप लोगों ने डायरी ले लीजिएगा, क्वांटिटी कम ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपको 1 रुपये का भी फायदा नहीं मिलने वाला। 250 ग्राम काले तिल लेने हैं, 250 ग्राम काले तिल, सफ़ेद नहीं बोल रहा हूँ मैं, काले तिल बोल रहा हूँ, 250 ग्राम काले तिल, 150 ग्राम आप लोगों ने गुड़ लेना है, या गुड़ की मात्रा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी है, 150 ग्राम से कम भी ले सकते हैं। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर बीच में मिला दो, तीनों को अच्छे तरीके से मिला लेना, ऐसे ऐसे लड्डू बना लेना, वैसे लड्डू बना लिए उसके बाद सुबह शाम एक एक लड्डू खाना चालू कर दीजिए दोस्तों, खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद। दोस्तों काले तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर पेशाब के थन, उसको जो फंक्शन उसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करने में मदद करते हैं काले तिल। चलो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब वो ड्रिंक, अब एक एक चम्मच काले तिल का लो, एक बड़ा चम्मच, सॉरी एक एक चम्मच काले तिल का लो, घर में पूजा अर्चना चले, ध्यान वहाँ जा रहा है, पंडित जी ने बोला जल्दी आ जाओ, तो मैंने कहा मैं थोड़ी वीडियो बना दूँ, बाकी अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। आज एक चम्मच काले तिल का एक बड़ा गिलास पानी को उसमें उसको एक चम्मच को डाल दो काले तिल को, आ रहा हूँ मम्मी जी, एक चम्मच काले तिल का डाल दो, उसको उबाल लो 10-15 मिनट, उबालने के बाद उसको वैसे छान लो और गुनगुना होने दो, फिर उसमें एक चम्मच शहद का डाल दो, उसको पी लो दो टाइम सुबह शाम, ये दोनों में से कोई भी एक काम कर देना। बाकी जो मैं अपने अपने पर्सनल चॉइस बताऊँ ना, तो मैं लड्डू पसंद करता हूँ, अभी मैंने शुरू कर दिए खाना, घर पर बनाते हैं खाते हैं उसको, कोई इशू नहीं, अच्छे टेस्ट अच्छा होता है। गुड़ मुझे मीठी चीज़ अच्छी, मुझे अच्छी ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, गुड़ सबसे बेस्ट हमारे देसी गुड़ पाए होता ही है। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक आप लोग चीज ट्राई करो, और मैं आपको बता दूँ, मैं मानू चलो आपकी मैं एक बात मानता हूँ कि काले तिल खाने से आपको पेशाब से संबंधित बीमारी में फ़ायदा नहीं हो रहा, मान लिया, आपको नुकसान क्या हो रहा है वो बताओ। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम शरीर के अंदर जा रहा है काले तिल के खाने से, तो आपको नुकसान क्यों हो रहा है वो बता दो। अब आप खुद सोचो, आपको उससे ज्यादा और क्या बताऊं यार, मैं मानता हूं कि चलो आपको फायदा नहीं हो रहा है, वैसे फायदा होता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं काले तिल से आपको फायदा ना हो मूत्र समस्या। लेकिन और एक बात और, जिन लोगों को पेशाब कम आता है ना, बड़ा कम आता है, बड़ा ही ज्यादा कम आता है, बहुत ज्यादा उनको बड़ा जोर लगाना पड़ता है पेशाब पास करने, तो उनको जब काले तिल का काढ़ा बनाएंगे ना, जो मैंने बताया एक चम्मच गर्म पानी, एक चम्मच को लो और पानी में लो, उसमें थोड़ा सा ना एक चम्मच गोक्षर का पाउडर मिला देना भैया, इतना खुल के पेशाब आएगा दना दन, और जलन 1 सेकंड में खत्म। चलो पंडित जी बुला रहे हैं पूजा चलेंगे, तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए भैया हरे कृष्णा, और इस वीडियो को लाइक शेयर अपना सपोर्ट अपना प्यार दीजिए, अपने भाई को अपना सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को आप लोग ग्रो करने में मदद कीजिए।